नाज़रीन प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहेंगे आपको। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मामला अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा और आज मोहसिन नकवी साहब मीडिया से बात करते हुए उन्होंने खामोशी नहीं तोड़ी। वो कह रहे थे सारे सब जर्नलिस्ट को कि मुझसे रिलेटेड तो चैंपियन ट्रॉफी सवाल आप ना करें, हमारे मामला अभी जारी है आईसीसी के साथ। इमरान भाई क्या देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने आज सबको ये कह दिया अभी मुझसे कोई सवाल ना करें तो आगे आने वाले एक दो दिन के अंदर अच्छी न्यूज देंगे और अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बात मुझे अली लगता है आपको नहीं बात है, नहीं ये तो हम सबको पता चल गया, ये पुरानी बात होगी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने खामोशी नहीं तोड़ी आज। नकवी साहब का बयान क्या नया है? अल्लाह खैर करेगा। नहीं इमरान भाई एक चेंज आया, पहले वो कहते थे कि हाइब्रिड मॉडल पे हम जाएंगे नहीं, फिर चेंज आ गया कि हम क्रिकेट की जीत पे बात करेंगे, अब वो कह रहे हैं अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो किस तरफ जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब और किस तरफ जा रही है चैंपियन ट्रॉफी? मैं आपको बात बताऊं, जो कल से आपने एक काम शुरू किया था ना हम सब ने मिलके, हम एक तो मुझे एक चीज पे एतराज है कि हम इंडियन मीडिया कोड करके खबर क्यों चलाते हैं। वो तो अपनी एक मीडिया बहुत अलग चलाते हैं, हम एक खबर चलाते हैं जी इंडियन मीडिया ने ये दावा कर दिया कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है और पाकिस्तान जो है साल के लिए हो गया। ऐसे ही सुना ना आपने सारी खबर? बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर आज तो उन सारी बातों को मैं तो ये समझता हूँ ना डिनाई कर दिया, डिनाई कर दिया बिल्कुल। आपको नहीं लगा उन्होंने डिनाई? बिल्कुल इमरान भाई आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान के जितने भी बड़े नाम थे जितने भी जर्नलिस्ट थे उन सब ने ये आके यही बताया कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेगा, तो मोहसिन नकवी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं वहां बताई। बड़ी हेडलाइन चल रही ना आज, मोहसिन नकवी साहब ने तो उस बात को टोटली डिनाई कर दिया, डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी तो बात ही नहीं, उन्होंने कहा सॉरी, उन्होंने कहा अभी तो बहुत सारी चीजें डिस्कशन अंडर डिस्कशन है। जी जी, अगर सर हो जाता, अगर वो चीजें तय हो जाती जो हमने खबरों के पटे चलाए धड़ाधड़, तो सर वो फिर आज वो 7 तारीख थी आपको याद है ना? बिल्कुल। आज क्या हुआ? इजलास मुलतवी हो गया। जी जी। इसका मतलब है आज अगर इजलास मुलतवी हो गया तो ये कम अज कम एक हफ्ता तक मुलतवी रहेगा। सही सही, ये मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 दिन में ये जाके बात हुई। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा 15-15 दिन भी लग सकते हैं। तो मैंने आज एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के बात की थी, ये देखिये आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड पे रखना है और आपने चलाना है अपने प्रोग्राम में। जी जी। आने वाले दिनों में आपने देखना है कि पाकिस्तान का रेवेन्यू कम हो जाएगा। आप तो ये सोच रहे थे ना कि रेवेन्यू बढ़ेगा, जी जी पैसा ज्यादा आएगा। सर ब्रॉडकास्टर, मेरी बात को शायद माने ना माने, मैं आप रिकॉर्ड ही बात करूं, ब्रॉडकास्टर का बहुत बड़ा रोल होगा इस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के अंदर। क्योंकि अगर आप 3 साल का वायदा कर रहे हैं ना, 3 साल का भारत के साथ वायदा कर रहे हैं ना कि वो हम हाइब्रिड पे खेलेंगे और वो भी हाइब्रिड पे खेलेंगे, तो सर जब $3 बिलियन का वायदा जब आपका हुआ था ब्रॉडकास्टर के साथ, तो उसके अंदर उसको ये पता था कि पाकिस्तान जो इंडिया पाकिस्तान जाके खेलेगा एक मैच जो टूर्नामेंट के जो भी मैच होंगे, और बाकी 3 साल के अंदर जितने भी इवेंट होंगे, ऑलमोस्ट 4 इवेंट है 4 इवेंट है, वो 4 के 4 इवेंट पाकिस्तान इंडिया आगे खेलेगा और वो टूर्नामेंट हाइब्रिड नहीं होगा। वो पैसे उस चीज के भरे थे उसने। अब समझ आ रही मेरी बात? जी जी, कुछ समझ आ गई होगी। तो सर क्या वो अपना सारा रेवेन्यू का बोझ आईसीसी के साथ नहीं शेयर करेगा? वो यही नहीं कहेगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करें और मैं $300 बिलियन नहीं अब दूंगा? जी जी। आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इंडिया के पाकिस्तान के साथ कि आप भी उनके मैच सारे इंडिया में नहीं होंगे, हाइब्रिड हो गए, तो सर मेरे पैसे वापस करो। 10% दे रहे ना आपको जो यूके का ब्रॉडकास्टर है, वो आपके पूरे 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा दे रहा है, वो 10% दे रहा है, वो दे रहा है $3 बिलियन, और इंडियन ब्रॉडकास्टर दे रहा है $3 बिलियन। 10% पे आप आ गए ना, तो मुझे आप बात बताएं, तो फिर तो वो भी मारेगा वो वाला ब्रॉडकास्टर, जनाब मैंने $3 बिलियन दिए और मेरे भी पैसे वापस करें, मेरे भी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करें। तो ये कहीं ना कहीं देखो गेम सारी पैसे की है।
आज मुझे जितने मर्जी लोग ये ताने मारे, जितनी मर्जी बातें करें, लेकिन $3 बिलियन और $3 बिलियन में बहुत फर्क होता है। और जब आप किसी का, इमरान भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो लोग जिसके अंदर मोहसिन नकवी साहब भी शामिल थे और हमारे नाम नहा जर्नलिस्ट भी शामिल थे कि हाइब्रिड मॉडल कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो अब क्यों किया जा रहा है फिर? तो जी मैंने एक अपने दोस्त को सुना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा ये तो बस वो ना हाइप क्रिएट की जा रही थी। तो मैंने भी एक जगह पे ऑन रिकॉर्ड एक बात कर दी कि मैंने कहा ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे तो इंडिया को मसले हैं, तो फिर इसकी हाइप बढ़, जब भी किसी इवेंट के आने से पहले उसकी नेगेटिव हाइप बढ़ती है ना, तो उसके पेस और उसका रेट बढ़ जाता है। अब आपने देखा कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले पेस भी बढ़ गई, रेट भी बढ़ गया, सब कुछ ज्यादा हो गया। जी जी, मेरा जो जाती है कि ये सारी लोग ये बात कर रहे हैं कि जी सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें की थी अपना रेट बढ़ाने के लिए, पर फिर रेट ही बढ़ा ना, पैसा ही बढ़ा ना, इज्जत तो वही रहेगी ना, कम हो। एक ही बात थी, मैंने तीन जगह सवाल किया, तीन जगह तीनों जगह पे मोहसिन नकवी साहब ने कहा नहीं, और भी लोगों ने किए थे, नहीं यार हम तो इंडिया के साथ यही खेलेंगे, इसके अलावा हम कुछ और कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल, तो अब कैसे सर आप? अच्छा इमरान भाई, जेशा आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, तो इनके चेयरमैन बनने से कुछ चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर असर पड़ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर पहले कम प्रेशर था, इनके आने की वजह से ज्यादा प्रेशर हो गया है? यार देखिए, अगर ये फैसला होना होता ना कि देखो जब एक न्यूट्रल बंदा बैठा हुआ था वो ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करवा के या साइन करके भी जा सकता था। जी जी, और ये आईसीसी का बड़ी ये टेक्निकल बात है, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होता तो आईसीसी का वो चेयरमैन करके जाता जो जाने वाला था। जी जी राइट, और कल को अगर कॉन्ट्रैक्ट अदालत में भी जाता तो कहते कि जी वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो उसके अंदर आईसीसी का फला चेयरमैन था, उसने हमसे गलत बयानी की और हमें पता नहीं था ऐसे होगा। अब तो नया आने वाला चेयरमैन जो साइन करेगा उसे आने वाले 3 सालों में उसी को रह के फेस करना है। जी जी, तो इंडिया के साथ मुझे ख्याल नहीं है कि इंडिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भी अगले इवेंट्स के अंदर आपके साथ चलेगा। हो सकता है आपके मुल्क के अंदर चेयरमैन बदल जाए और आने वाला चेयरमैन जो है वो कोई ऐसा मुआयदा कर ले कि वो फिर आपने फ्यूजन निकाला है। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर रिटर्न तहरीरी तौर पे लिखा जाता है उसके बाद भी इंडिया अपनी बात से मुकर सकता है, वैसे इसके कुछ चांसेस हैं? बहुत ज्यादा चांसेस है। अब मैं आपकी मिसाल दे देता हूँ, जो आपकी बायलैटरल सीरीज थी जो इंडिया ने यहाँ आगे खेलनी थी, आप खेलने चले गए थे, उन्होंने आगे यहाँ नहीं खेली, उसके पैसे कहाँ है, उसका जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो किधर है? इंडिया ने अपना मुआहिदा तोड़ा ना। जी जी, और इमरान भाई तब भी जब बिग थ्री का मामला था आपको पता होगा, तब भी पाकिस्तान को यही कहा गया कि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज होगी, लेकिन कोई सीरीज नहीं हुई, फिर पाकिस्तान के साथ तो हमेशा धोखा ही हुआ, तो इस दफा भी अगर धोखा आ गया तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा और मोहसिन नकवी साहब फिर क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे मीडिया को और पाकिस्तान कौम को? सर फिर मैं बात करूंगा तो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी, सर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तो कह रहे हैं आप कल इंडिया को अदालत में ले जाएंगे, सर केड़ी अदालत, किस अदालत की बात कर रहे हैं आप? जी हम जी। अपने भी जरा देख लेंगे हम कितना अदालतों के कानून कवानीन पे चलते हैं, तो हम बड़ा बड़ कहते हैं कि हमने जाना जी, हम इसको कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएंगे। सर कोर्ट ऑफ लॉ में आप कितना अमल करते हैं और वो कितना अमल करेंगे सारी दुनिया जानती है। अच्छा इमरान भाई, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, टाइम कम है, कितने दिन के अंदर आपको लगता है कि आईसीसी की जानिब से हतमी शेड्यूल जारी हो सकता है और क्या शेड्यूल जारी होगा सेमीफाइनल और फाइनल? जी जी, अगला हफ्ता डिसाइडेड हफ्ता है, अगले हफ्ते में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलेगी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलेगी, एक मेल आएगी आपको, ये चीजें तय हो गई है और रेवेन्यू शेयरिंग के हवाले से बात होगी कि इतना रेवेन्यू जो है वो ब्रॉडकास्टर का कम कर दिया है इस वजह से, क्योंकि हम ये मायदा कर रहे हैं, नुकसान उसको होगा तो नुकसान आपको भी होगा, नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी रेवेन्यू भी कम होगा, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का भी रेवेन्यू कम होगा और आईसीसी का रेवेन्यू कम होगा। जब आईसीसी के पास हिस्सा कम आएगा, रेवेन्यू कम आएगा, भाईजान थानू भी पैसे घट मिलेंगे, अगली बार थानू पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मामला काफी गंभीर होता जा रहा है और आज मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना खामोशी नहीं तोड़ी और उन्होंने कहा मामला चल रहे हैं, अब देखते हैं मामला कब तक चलते हैं,
जो एक दो दिन पहले काफी ज्यादा चैनल ने ये खबर भी चलाई थी, हाइब्रिड मॉडल इंडिया की जानब से एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो खबर के अंदर कोई सदाकत नहीं है। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ, अगर खबर में सदाकत होती तो मोहसिन नकवी साहब आज यस या नो कर देते, उन्होंने खामोशी रखी और वो कह रहे हैं अभी वेट करें। अब देखना बाकी है चैंपियन ट्रॉफी 2025 का हतमी शेड्यूल कब जारी होगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली अहमद को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।